गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माइसेल्फ ओम प्रकाश ठाकरे, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राउतपुर सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। अभी हम देखेंगे सब्जेक्ट कैट कैम। इसमें यूनिट नंबर 3, वर्किंग विथ 3 डायमेंशनल एंटिटीज यूजिंग ऑटो कैड एंड सॉलिड मॉडलिंग। इसमें हम देखेंगे मूव कमांड। मूव कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस कमांड द्वारा विद्यमान ड्राइंग की एक या एक से अधिक आकृति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। आकृति के विस्थापन को सीधे किसी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कमांड रेखा पर मूव लिखकर इसे क्रियान्वित किया जा सकता है। इसमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यूज एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट मेथड एंड प्रेस एंटर व्हेन इट इज फिनिश्ड टू स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन स्पेसिफाई ए बेस पॉइंट और एंटर डी। स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट और लेस देन यूज फर्स्ट पॉइंट एज अ डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डबल डॉट स्पेसिफाई ए पॉइंट और प्रेस इंटर। किसी चयनित ऑब्जेक्ट को किसी दिशा में कितनी दूर तक किस दिशा में मूव करना है ये दो बिंदुओं द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन नहीं बदलता। नेक्स्ट है मिरर कमांड। मिरर कमांड से किसी चयनित ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाया जाता है। पॉप अप विंडो में किसी ऑब्जेक्ट तथा मिरर लाइन के बारे में आवश्यक इन्फॉर्मेशन रहती है। इसमें मॉडिफाइड टूल बार, इसमें सिंबल दिया हुआ है। कमांड लाइन मिरर आपको देना है। एक समीमित दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज निर्मित करने के लिए ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफाई अक्ष के परित फ्लिप किया जाता है। मिरर का उपयोग समीमित ऑब्जेक्ट बनाने में किया जाता है। इसमें आदि आकृति को बनाकर मिरर निर्देश से पूरे आकृति प्राप्त करते हैं। जिस अक्ष के परित फ्लिप किया जाता है उसे मिरर लाइन कहते हैं। मिरर लाइन के लिए दो बिंदु अंकित करते हैं। मूल आकृति को रखना है या मिटाना है इसका चयन करना होता है। अब इसमें डायग्राम दिया हुआ ए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट विथ विंडो। नेक्स्ट दिया है मिरर लाइन डिफाइन विथ टू पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड जो दिया हुआ है डायग्राम रिजल्ट विथ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रेन। तो इसमें जो दिया हुआ है देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन विथ विंडो में दिया हुआ है डायग्राम, उसमें हमने मिरर लाइन उसमें सिलेक्ट किया हुआ है। अब सिलेक्ट करने के बाद में हाफ पोर्शन जो है वो डॉटेड फॉर्म में यानी मिरर होगा। अब यानी थर्ड जो डायग्राम दिया है रिजल्ट विथ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रेन, तो इसमें जो थर्ड इसमें जो मिरर हुआ है वो कम्प्लीटली एक पूरा लाइन है, ब्लैक लाइन में दिया हुआ है पूरा कम्प्लीट एक मिरर इमेज हमको साइड में यानी डायग्राम नंबर 100 में दिया हुआ है। नेक्स्ट जब किसी टेक्स्ट तथा एट्रीब्यूट का मिरर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है वो उल्टा बनता है। इसके लिए मिरर टेक्स्ट सिस्टम वेरिएबल को 0 या ओ ऑफ में निर्धारित करते हैं। टेक्स्ट फिर सही सीधे तथा औचित्य अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन के साथ ड्रा होता है। इसे 3.22 डायग्राम में दिखाया गया है। अब इसमें तीन डायग्राम दिया है बिफोर मिरर, मिरर मिरर की पहले की कंडीशन दी हुई है डायग्राम में। नेक्स्ट डायग्राम ब है आफ्टर मिरर, मिरर टेक्स इक्वल टू 1, मिरर के बाकी कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट आफ्टर मिरर, मिरर टेक्स 0, ये आपको दिया हुआ है। तो सभी डायग्राम की अलग अलग कंडीशन है। नेक्स्ट मिरर टेक्स एट डेप या एम टेक्स निर्देश एट्रीब्यूट डेफिनेशन तथा वेरिएबल एट्रीब्यूट द्वारा निर्मित टेक्स को प्रोवाइड करता है। टेक्स तथा स्थिर एट्रीब्यूट जो किसी ब्लॉक में हो का मिरर मिररिंग प्रभाव के साथ पूरे ब्लॉक का एक साथ प्राप्त होता है। थैंक यू।